वेलकम टू रून चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरफिन इंडिया कंपनी के बारे में। यहाँ पर ये कंपनी जो है क्या कारोबार करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर हम इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर आरफिन इंडिया लिमिटेड कंपनी है जो बिजनेस सेगमेंटेशन है, बिजनेस ओवरव्यू है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर कंपनी के पास अवेलेबल है, उन सब चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसी के साथ साथ में यहाँ पर करंटली कंपनी के कैश फ्लोज जो है किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर हमें जो है किस तरह से वर्कआउट होते हुए देखने मिल रही है, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर मार्केट में जिससे ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट, उस वैल्यूएशन के हिसाब से भी यहाँ पर जो है निवेश किया जा सकता है नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। प्रमोट होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पर हमें जो है किस तरह का ट्रेंड जो है फॉलोअप होते हुए देखने मिल रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर एक स्टेग्नेंट होल्डिंग FIDI का निवेश है या फिर नहीं, और क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन जो है किस तरह से यहाँ पर हमें देखने मिल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आरफिन इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर ये कंपनी जो है खुद जो है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एज वेल एज सेलिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फेरस मेटल्स जो होते हैं, नॉन फेरस मेटल्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पर डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल के थ्रू जो है यहाँ पर हमें इस कंपनी का मेन कारोबार होते हुए देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर कंडक्टर कॉर वायर्स हो गए, केबल्स हो गए, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और उसके थ्रू जो है इस कंपनी का मेन यहाँ पर हमें बिजनेस जो होते हुए जो है देखने को मिलता है। करंटली यहाँ पर 353 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का P/32.4 जो कि इंडस्ट्री के मुकाबले जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा है, 17.5 का P यहाँ पर हमें इंडस्ट्री का देखने को मिल रहा है, और स्टॉक का 32.4 का यहाँ पर हमें स्टॉक P देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12.1%, और कंपनी का ROE भी 12.6 का जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि डेट यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है, डेट इज 98.6 करोड़ का डेट है, और यहाँ पर डेट टू इक्विटी 1.19, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है स्मॉल कैप स्टॉक है डेफिनेटली मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर हमें जो है डिविडेंड यील्ड 0 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर 11.1 का हाई लो प्राइस और 31.4 का हाई प्राइस देखने को मिल रहा है। करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 22.2, और बुक वैल्यू से जब हम यहाँ पर देखते तो ऑलमोस्ट जो है 4 टाइम्स महंगे वैल्यूएशन पे PB के हिसाब से जो है महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। 2019 से लेकर 2021 तक यहाँ पर कंपनी जो फाइनेंशियल्स है, कंपनी का रेवेन्यू है, उसके अंदर यहाँ पर हमें कंटिन्यूस बेसिस पर जो है डाउन ट्रेंड फॉलोअप होते हुए देखने को मिला है। बट 2022 के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 500 करोड़ का जो रेवेन्यू मार्क था वो तो यहाँ पर हमें कंप्लीट होते हुए देखने को मिला ही है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी हाईएस्ट एवर 9.18 करोड़ की जो है देखने को मिल रही है। सो काइंड ऑफ अ पॉजिटिव अप्रोच की यहाँ पर एक अच्छा सा सेगमेंटेशन जो है अपसाइड के अंदर कंपनी का रेवेन्यू कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर जो है देखने को मिला है। अदर देन दैट यहाँ पर क्वार्टरली हिसाब से भी हम यहाँ पर देखते हैं पिछले 4 क्वार्टर के नतीजे को, तो भी यहाँ पर जो है कंपनी जो नतीजे है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्टफुल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 3 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 2.5 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 2.61, उसके बाद 2.34। अगर हम यहाँ पर इन अवे अगर हम सबको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं पिछले 4 क्वार्टर को, तो भी यहाँ पर हमें जो है 12 करोड़ की जो बॉटम लाइन है वो काफ़ी आसानी से जो है यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिल रही है। सो काइंड ऑफ अ पॉजिटिव अप्रोच की यहाँ पर हमें जो एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर हमें बॉटम लाइन जो है यहाँ पर क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। ना ऑफिस इस कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी यहाँ पर जो चीज़ है वो ये कि कंपनी मेजोरिटी होल्डिंग जो है वो यहाँ पर हमें कंपनी के प्रमोटर्स के पास जो है देखने को मिल रही है। काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंग यहाँ पर मेजोरिटी होल्डिंग कंपनी प्रमोटर्स के पास 74.11, FII 0 और यहाँ पर DIA 0.04, पब्लिक के अंदर 25% का जो है निवेश देखने को मिल रहा है, और उस 25% में से भी ऑलमोस्ट 7% का जो निवेश है, 7-8% जो निवेश है वो यहाँ पर बड़े लोगों द्वारा किया गया हुआ है। सो रेस्ट यहाँ पर 17-18% का जो निवेश है वो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के पास जो है मार्केट में लिक्विडिटी पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर उससे भी अगर हम इन करोड़ टर्म्स अगर हम यहाँ पर देखने जाए 300 करोड़ के हिसाब से सिर्फ 50-60 करोड़ का ही यहाँ पर जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो यहाँ पर हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। कैश फ्लोज भी अगर यहाँ पर इस कंपनी यहाँ पर कंपेयर करना चाहे तो 11 करोड़ का एक अच्छा सा ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज जो है देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 25 करोड़ का आंकड़ा देखने मिला है, बट एट द एंड यहाँ पर हमें जो 11 करोड़ का जो आंकड़ा देखने मिल रहा है वो भी खराब नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है कंपनी फिक्स एसेट्स परचेस की जा रही है, बट यहाँ पर मार्च 2022 के 22 का आंकड़ा जो देखने मिल रहा है सिर्फ 5.5 करोड़ का ही यहाँ पर हमें जो है आंकड़ा देखने को मिल रहा है, सिर्फ 3.5 करोड़ का। तो यहाँ पर डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पर में जो है इन्वेस्टिंग काफ़ी सारा जो है हो सकती थी 2022 के मार्च के साथ में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर देखते हैं तो इंटरेस्ट जो है कंपनी का जो लोन है उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ने 12 करोड़ के आसपास का कंपनी ने यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे किया है, एंड डिफाइनिंग दैट प्रॉफिट प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग 4.5 करोड़ की नेट में यहाँ पर में जो है 8 करोड़ का जो है माइनस आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 5 साल का हाई प्राइस यहाँ पर 54 और यहाँ पर जनरली शेयर ट्रेड कर रहा है 51.4 पर। यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड था वहाँ से जो है स्लोली स्टडीली फिर से जो है अपसाइड के अंदर यहाँ पर हमें रिकवरी जो है देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर क्वेश्चन यही अराइज होता है कि यहाँ पर निवेश किया जाए या फिर नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात की रिस्क एपेटाइट, और यहाँ पर अगर कंपनी के मार्जिन जो आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा सुधरते हैं यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है एज ऑन द टाइम फैक्ट काफ़ी ज़्यादा जो इंपैक्टफुल देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या फिर अगर यहाँ पर आप धीरज रख सकते हो तो एक अच्छे खासे माइंडसेट के हिसाब से एक स्मॉल एक जो आप कह सकते हो कि स्टॉप लॉस जो यहाँ पर आप रख कर भी जो है यहाँ पर आप इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हो, या फिर अगर नया निवेश करना है तो भी जो है यहाँ पर किया जा सकता है। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको आरफिन इंडिया लिमिटेड कंपनी है जो शेयर यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।